सबसे पहले जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हाउ टू बिकम एएसए एमईए, विदेश मंत्रालय में आपकी डायरेक्ट एंट्री कैसे होगी और कैसे आप महीनों के लाखों रुपए कमाएंगे, कैसे आप अपने भारत देश की सेवा करेंगे, साथ साथ अन्य देशों में रहकर भी आप बहुत बड़ा नाम कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही प्यारी जानकारी जानने वाले हैं। ठीक है, माफी लेट के लिए माफी चाहेंगे। जल्दी से जो है एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, चलो तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कि देखो क्या होता है कि एसएससी सीजल का जो आप पेपर देते हैं उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं और उसी में से एक सबसे दमदार और सबसे खूबसूरत पोस्ट है हमारा एएसओ एमईए। एक छोटी सी क्लिप इसके बारे में हम लोगों ने शेयर किया था और वो क्लिप जो है 2.5 लाख से ऊपर व्यूज अर्जित कर चुका है, छोटा सा क्लिप। तो जब एक छोटा सा क्लिप 2.5 लाख से ऊपर का व्यूज जा सकता है तो वहीं पर बच्चों का डिमांड था कि सर आप कंप्लीट वीडियो लेकर आओ और कंप्लीट तरीके से बताओ। ठीक है, पढ़ाई तो हम करते ही रहते हैं, साथ में कुछ ऐसा हो सके जिससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिले, तो वो आप लोगों के हाजिर है, आप लोगों के सामने हाजिर है। मुझे पूरे 2 दिन लगे हैं इस पीपीटी को बनाने में, एक एक बात मैंने कंसल्ट की है। जो लोग ऑलरेडी फॉरन डिपार्टमेंट में पोस्टेड है उनसे भी मैंने इन बातों को कंफर्म किया है कि क्या जो बात ऐसा सुनने में आता है क्या वो सही है या वो गलत है, कितनी बातें सही है कितनी बातें गलत है, क्या जो हम बात करते हैं महीने के 2 लाख 3 लाख रुपए में जो सैलरी मिलती है क्या ये बात में दम है, क्या ये कहा जाता है कि जो बच्चे हमारे जो भी लोग विदेश मंत्रालय में एमईए में पोस्टेड होते हैं उनकी जो सैलरी होती है उसके तो उसके अलावा जो फायदा हो गया, जैसे मानो कि अगर मैं एमईए में हूं, ठीक है, तो मुझे ऐसा पर्क मिलता है, 5-स्टार फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ रिसोर्सेज में बेनिफिट मिलता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के सबसे टॉप अस्पताल में मैं फ्री में अपनी जो है वो इलाज करा सकता हूं, अपना अपने फैमिली का, मेरे जो बच्चे होंगे उस स्कूल में, मतलब जैसे मानो अगर लंदन में पोस्टिंग हुई तो लंदन के सबसे टॉप स्कूल में फ्री में ऐसी शिक्षा मिल सकती है, क्या ये बात में सत्यता है। तो बिल्कुल इन सभी बातों को लेकर जितने भी आपके मन में 50 तरह के डाउट होंगे वो सभी के सभी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। भाई बहुत मेहनत की है मैंने आप सभी के लिए, तो आपका भी ये बात फर्ज बनता है कि तुरंत एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक, और सब जगह पर शेयर कर दो भाई, ताकि ये जो बात है ना ये सब जाने और इससे सबका बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है एएसओ इन एमईए, एएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और एमईए का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय। ठीक है, जैसे विदेश जो मंत्री थे हमारे पिछले सुषमा स्वराज थी जिनका निधन हो गया, ठीक है, तो इसके बारे में हमें पूरा कंप्लीट जानकारी हमें जो है वो प्राप्त मिलेगा। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम क्या होता है, एज लिमिट कितने होते हैं, पावर कितनी है, सैलरी कितनी है, हर एक बात को लेकर। उसके पहले आप इस स्लाइड को देखो। देखो भारत में अगर आप रहते हैं तो आपको भारत में 3 तरह के पासपोर्ट मिलते हैं, बहुतों को यह बात नहीं पता, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं 3 तरह के पासपोर्ट कैसे। सबसे पहले हो गया नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट, फिर हो गया व्हाइट कलर का और फिर हो गया मरून कलर का। ठीक है, जो आम जनता होती है, जो आम नागरिक होते हैं, उन्हें मिलता है आपको नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट, जिसको हम कोड भी देते हैं नॉर्मल, ठीक है, पी फॉर पासपोर्ट पब्लिक के लिए। जैसे मानो कि अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, आपके पिताजी बनवा रहे हैं, आपके पड़ोसी बनवा रहा है, तो उसको नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट मिलेगा। उसी तरीके से व्हाइट पासपोर्ट जो है वो सभी के सभी डिप्लोमा यहां पर जो भी भारत की तरफ से जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो अदर कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप विदेश मंत्रालय में लगेंगे तो आपको व्हाइट मिलेगा। और मरून कलर का जो पासपोर्ट होता है ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, ये ऑफिशियल पासपोर्ट है और ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अब ये डिप्लोमेट्स कौन होते हैं, डिप्लोमेट्स वो हो गए जो भारत सरकार की तरफ से किसी और कंट्री में जाते हैं, बायलेटरल मीटिंग्स के लिए हो गए जैसे, ठीक है, समझौता के लिए हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए हो गए, तो वहां पर आपको मिलता है डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि हमारे सीआईएसएफ के कुछ जवान गए और अफगानिस्तान में जाकर वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस समय वो ब्लू कलर के पासपोर्ट से नहीं जाएंगे, व्हाइट कलर के पासपोर्ट से जाएंगे, ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, इसलिए साफ लिखा गया इशूड टू इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन ऑफिशियल बिजनेसेस, और यहां पर इश्यू टू इंडियन डेवलपमेंट। तो भाई साहब ये बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, एएसओ इन एमईए लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है पावरफुल पोस्ट इन एसएससी सीजीएल। अब यहां पर बहुत सारी बातों को लेकर आपके मन में असमंजस होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे कि सर कौन सा एग्जाम हम क्वालिफाई करेंगे कि सर हम एएसओ इन एमईए लग सकते हैं, ठीक है, या विदेश मंत्रालय में हमारी एंट्री हो सकती है, पावर क्या क्या होगा सर, एलिजिबिलिटी कितनी होगी, उसके अलावा वर्क प्रोफाइल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सैलरी हो गया, सभी बातों पर एक एक पॉइंट में अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एग्जाम को लेकर कि भाई 2 एग्जाम अगर आप देते हो, एक हो गया एसएससी का जिसमें सीजीएल का पेपर अगर आप दे रहे हैं और दूसरा हो गया यूपीएससी का, अगर आप दो पेपर को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं, सबसे जो टॉप कट ऑफ वाली पोस्ट है उनके थ्रू आप विदेश मंत्रालय में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे 2 एग्जाम हो गए, वो हो गया एसएससी सीजीएल का और दूसरा हो गया हमारा यूपीएससी का। एसएससी सीजीएल को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप लगते हैं एएसओ इन एमईए, ठीक है, विदेश मंत्रालय में आपकी एंट्री होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से। और अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो यूपीएससी को क्लियर करने से क्या होगा, यूपीएससी में सीधा आप जाते हैं आईएफएस कैडर में, इंडियन फॉरेन सर्विस में, और वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। कौन सा पोस्ट मिलता है वो भी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हर जगह पर वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। तो बात करते हैं सर एसएससी सीजीएल में कौन सा ऐसा पोस्ट है, कैसे कैसे जो है हमें कैसे कैसे
से पेपर क्लियर करना होगा, क्योंकि यूपीएससी के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एसएससी के माध्यम से हम डायरेक्ट एएसओएन एमईए कैसे लगेंगे, कितने स्टेप्स में हमें पेपर देना होगा, ठीक है, एक एक बात को यहां पर समझिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले आपको देना होता है टीयर वन। जैसे उनमें टीयर वन में आपको पता है कि चार सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। इस तरीके से चार सब्जेक्ट में 200 नंबर का पेपर होता है। यहां पर जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप देते हैं मेंस, जैसे कि हमारे सीजल 2020 का मेंस कल्स था। इसके बाद बात करेंगे यहां पर टीयर फोर। अब टीयर फोर है क्या, तो देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एसएससी सीजल में क्या होता है, बहुत ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग की आवश्यकता है और बहुत ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, उसमें टाइपिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो एएसओ इन एमईए लगते हैं उनमें टाइपिंग की आवश्यकता है। तो इनको एक अलग से पेपर देना होता है टीयर फोर, जिसको हम कहते हैं सीपीटी। सीपीटी में 15-15 मिनट के दो पेपर होते हैं, एक आपका एक्सेल फाइल बनाना हो जाता है, पावर पॉइंट हो जाता है, और दूसरा आपके टाइपिंग हो जाती है। और लास्ट जो आता है टीयर नंबर फाइव है, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है अपना। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन दो जगह पर होता है, सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एसएससी के ऑफिस में होगा, और फिर उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा आपके डिपार्टमेंट में होगा। जैसे अगर आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में लगते हैं तो आपको दोबारा अपने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाले ऑफिस में दिल्ली में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर लगते हैं जिस भी स्टेट में लगते हैं, फिर वहां के डिपार्टमेंट में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि सर क्या इसमें कोई भी इंटरव्यू पोस्ट है या कोई इंटरव्यू होता है, तो नहीं भाई, यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, एसएससी में इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। क्या कोई फिजिकल टेस्ट होता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, साइकिल चलाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपको फिजिकल टेस्ट नहीं है। और यही इस पोस्ट की खूबसूरती होती है, इसी कारण लड़कियां जो हैं वो सबसे ज्यादा इस पोस्ट को पसंद करती हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट होता है, तो हाँ भाई टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट ज्यादा कठिन नहीं होता, बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर पावर के बारे में कि सर पावर कितना है। तो भाई साहब पावर बेइम्तिहा है, बेहताशा पावर है, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक चलकर छोटी सी बात आगे, एक स्लाइड देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा, मैं सच बताऊं तो। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, भले एक दिन मेरी क्लास ना लगे, ठीक है, लेकिन जो अगली क्लास होगी ना वो पूरी तैयारी के साथ होगी, पूरे दमदार तरीके से होगी। मेरा मानना यह है कि अगर मैं एक वीडियो उससे संबंधित यूट्यूब पर डाल रहा हूं बच्चों को लेकर, तो मैं संपूर्ण जानकारी उनको दे सकूं ताकि उन्हें कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। तो ये पावर शब्द है तो अपने आप में 5 लेटर का, लेकिन एक एक वर्ड आपको डिफाइन करेगा कि आपका सच में कितना बड़ा रुतबा होता है, कितना ज्यादा सम्मान होता है जब आप एएसओएन एमईए लगते हैं तब। दूसरी बात करते हैं पैसे को लेकर। तो देखो भारत सरकार में जो नौकरियां होती है ना, यहां पर जो पैसे आपको मिलते हैं 4600 ग्रेड पे के अनुसार से 70,000 से 80,000 मिलती है। पैसा यहां तब बरसता है आपके अकाउंट में जब आप विदेश में पोस्टिंग लेते हैं, तब आपको महीने के 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और बात करते हैं सोशल स्टेटस की। तो देखो जो बिहार और यूपी के लोग होते हैं उनके लिए मैं एक बात बताता हूं। देखो जैसे मैं भी बिहार का हूं, तो हमारे यहां अगर आप किसी को बोलेंगे ना कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का माइंडसेट बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप किसी को एमईए बोलेंगे ना, तो उनका माइंडसेट उतना बड़ा नहीं है, वो उस तरीके से नहीं समझेंगे, अच्छा एमईए क्या बोल रहा है पता ही नहीं। बहुतों को लगता है अरे एमईए तो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आप उन्हें बोलो विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के पावर कितने होते हैं, सोशल स्टेटस क्या होता है, एक एक बात को आपको धीरे धीरे करके जानकारी अभी मैं दूंगा वीडियो के अंदर, एक एक बात बताऊंगा मैं आपको कि आपके सच में वैल्यू क्या है। आपका सिर्फ वैल्यू भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी है, पूरी दुनिया आपकी कदर करेगी। सभी बातों को धीरे धीरे हम जानेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सरकार आपसे यह बोलती है, जो आपकी कमीशन एसएससी है, बोलती है कि बेटा देखो तुम ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने बीटेक किया है, चाहे आपने जो है ऑनर्स किया है, या फिर आपने बीए किया, कोई भी मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए, सिंपल सी बात है। और एज की बात करें तो 30 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। 30 साल के अलावा भी रिलैक्सेशन मिलता है, वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, जैसे एससी कैटेगरी को अलग मिला, एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है, इसके अलावा ओबीसी को एज का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो ये सभी जो हो गए आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलते हैं, जिसके बारे में अभी कभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलो बात करते हैं जो पावर के बारे में। तो पावर को मैं आपको ये दो फोटो के माध्यम से दर्शाना चाहता हूं। क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, एक शब्द सुना होगा आपने, दूतावास, यानी इंग्लिश में एम्बेसी, सुना है ना आपने। अब ये एम्बेसी का शब्द मैं आपको समझाता हूं कि एम्बेसी का मतलब क्या होता है। ये जो दिख रहा है ना फोटो, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये एम्बेसी है। और ये किसकी एम्बेसी है, तो ये भारत की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है। कहां पर है, तो यूएसए में, ठीक है। इसी तरीके से भारत का एक और एम्बेसी है, वो है बीजिंग और चाइना में, ये आपका भारत का दूतावास है, ठीक है। इसी तरीके से पूरे के पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज में कम से कम 60 कंट्रीज हैं जहां पर मैं आपको बताऊं तो भारत के एम्बेसी हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में कभी आप अगर घूमने चले जाएंगे नॉर्थ ब्लॉक के साइड में आपको, तो आपको हर कंट्री का एम्बेसी दिखेगा। आपको यहां पर एक तरीके से मैं बोलूं तो चाइना का एम्बेसी दिखेगा, अमेरिका का एम्बेसी दिखेगा, आपको रशिया का एम्बेसी दिखेगा, ठीक है। तो हर कंट्री का एम्बेसी होता है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी कंट्री होती है ना, तो उस कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट हर कंट्रीज के एम्बेसीज होते हैं, जो पावरफुल नेशंस होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मानो कि जैसे अभी आपने एक अफगानिस्तान का केस सुना था कि अफगानिस्तान में जो है पूरी की पूरी सरकार भाग गई और वहां पर जो है वहां के जो आतंकवादी संगठन है उनका पूरा कब्जा हो गया। अब ऐसे केस में क्या हुआ, रातों रात तख्ता पलटा। अब रातों रात तख्ता पलटा तो अफगानिस्तान में जो भारत के निवासी रह रहे थे उनको वहां से बाहर कौन निकाले। आपने एक एयरलिफ्ट की मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार की,
वहां पर भी मूवी में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि एयरलिफ्ट के माध्यम से उस कंट्री में रह रहे भारत के सभी लोगों को भारत में लेकर आया गया। तो भाई ऐसे तो होता नहीं ना कि मैं अभी जाऊंगा बोलूंगा हाँ भैया चलो 5 एरोप्लेन लेके चलते हैं और अपने दोस्तों को उठा के लेके आते हैं, अपने भारतवासियों को उठा के लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हर कंट्री में अपना एक एम्बेसी होता है जहां पर उस कंट्री में भारत के रह रहे लोग जाकर वहां पर संपर्क करें, जो भी उनको समस्याएं हैं वो यहां पर बता सकें। ठीक है, और उसी तरीके से ये पूरे के पूरे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और इस तरीके से भारत को मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैं फंस गया हूं, कहां मैं जाकर लंदन में मैं रह रहा हूं और वहां पर मुझे अपने कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो मैं जाकर किससे बोलूंगा? मैं अपने इंडियन हाईकमांड से बोलूंगा, मैं अपने इंडियन एम्बेसी में जाऊंगा। तो उस इंडियन एम्बेसी में जाएंगे, वहां पर आपके सारे ऑफिशियल वर्क्स होते हैं। ठीक है, जब कोई कंट्री से भी आपके इंडिया से भी जाता है या कोई एनआरआई आ रहा होता है, तो सारा का सारा जो वर्क होता है वो आपके अपने कंट्री के एम्बेसी में होता है। तो हर कंट्री में भारत की एक एम्बेसी है, जैसे यूएसए में ये हो गया, उसी तरीके से चाइना में एक आम भी एम्बेसी हो गई। ठीक है, और इस एम्बेसी में आपकी पोस्टिंग होती है। आप बोलते हैं ना सर विदेश मंत्रालय में जाएंगे तो कहां काम करेंगे, अगर लंदन चले गए तो कहां पर काम करेंगे? तो ये जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो एम्बेसी होती है, इसी के अंडर में आपको काम करना होता है। इसमें लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं, और एक बढ़िया तरीके से आप एक कंट्री के अंदर एक कंट्री रन कर रहे होते हो। इसलिए एम्बेसी को एक और बात भी कहा जाता है, कंट्री विद इन अ कंट्री। और एक बात को हमेशा ध्यान रखना, एम्बेसी की जो पावर होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। उस देश के ऊपर अटैक हो सकता है लेकिन कभी एम्बेसी के ऊपर अटैक नहीं हो सकता। अगर एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ, इसका मतलब सीधा है कि आपने उस नेशन के ऊपर अटैक किया है। अभी आपने देखा भी होगा कि इजराइल के एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था, फिर इजराइल ने उस कंट्री का क्या हाल किया था। ठीक है, आप किसी के एम्बेसी के ऊपर अगर अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस नेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यानी सबसे सुरक्षित अगर उस कंट्री में कुछ है तो उसकी एम्बेसी है, और वो सीधा का सीधा एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। और जब आप इसके अंदर काम कर रहे होते हैं, तो सोचिए कि आप एक भारत सरकार की तरफ से भेजे गए एक राजदूत हैं जो पूरे के पूरे भारत वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जो पावर है और इसका जो सोशल स्टेटस है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत महान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर वर्क प्रोफाइल के बारे में कि चलो भैया इस बिल्डिंग में चले गए, काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर क्या रहे हैं, क्या काम हमें मिला है। तो वहां पर जाने के बाद कम से कम 10-15 तरह के काम होते हैं जो नॉर्मली ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन मैंने यहां पर फिलहाल तरीके के 3 काम लिखे हुए हैं। जैसे मानो यहां पर आपने आईएफएस ऑफिसर सुना है, सिर्फ ना कि बाहर की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की भी बात कर रहे हैं। आईएफएस ऑफिसर कैसे आते हैं? यूपीएससी से। यूपीएससी आप देते हैं तो आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और एक और होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। और इंडियन फॉरेन सर्विस के जो असिस्टेंट होते हैं वो सीधे के सीधे किससे जाते हैं? एसएससी सीजीएल से। यानी अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आप आईएफएस ऑफिसर बनेंगे, और अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर रहे, एसएससी से जा रहे हैं, तो आप उनके असिस्टेंट बनेंगे। धीरे-धीरे आपका प्रमोशन होने के बाद भी आप भी जो है आईएफएस कैडर में आ जाते हैं। दोस्तों 1000+ लाइव कर दो, बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि मुझे टोटल 2 दिन लगे हैं, 48 घंटे, तब जाकर ये पीपीटी बनी है। अलग अलग लोगों से मैंने संपर्क किया है, जो ऑलरेडी कोई बगदाद में पोस्टेड है वहां से उनसे मैंने बात की फेसबुक के माध्यम से, ऑलरेडी जो है दिल्ली में कोई पोस्टेड है तो उनसे मेरी बात हुई है, तब जाकर एक कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि एक सही जानकारी मैं आपको दे सकूं और ये एक अलग आपके अंदर पैदा कर सके कि नहीं यार अब मुझे भी करना है। आज बहुतों का सपना मैं बना देने वाला हूं यहां पर कि आप चयनित कर लोगे कि हां भाई हम भी एएसओई नमिए लगेंगे, देख लेना। बस आज यहां सर दिखा रहे हैं और अब मेरे माइंड में ये पिक्चर जा रहा है, और अब तो मेरा विजन और क्लियर हो गया है, अब तो भैया एसएससी में रैंक लेकर आएंगे और एमईए बनकर रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सबका बेनिफिट हो सके, सब ये पार्ट को जान सके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फाइलिंग वर्क इन एमओयू। अब देखो क्या होता है ये एमओयू शब्द, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मानो यहां पर आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि यार इंडिया का समझौता हुआ है रशिया के साथ कि हम तुमको इतने वेपन्स देंगे, तुम हमें इतने वेपन्स दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि मोदी जी जाके खुद जो है व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठ के और बात कर लेंगे, हां भैया देखो हम तुमको 10 ब्रह्मोस दे रहे हैं, तुम हमको इतना ये देना वो देना, ऐसा नहीं होता। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब बनता है तो उस कंट्री में जो हमारे डिप्लोमैट्स होते हैं वो पूरे पूरे यहां पर सहयोग करते हैं, उनके सहायता से ही कोई भी चीज है वो लेन देन होती है यहां पर। ठीक है, तो वो असिस्ट करते हैं सबसे पहले आईएफएस ऑफिसर को। इसके अलावा फाइलिंग वर्क जो एमओयूज का होता है उनमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो एएसओस का होता है, एमईए विदेश मंत्रालय वालों का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप होता है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जैसे सुषमा स्वराज को किसी ने ट्विटर पर टैग कर दिया कि हम दुबई में काम करने आए थे और 5 साल हो गया, हमको बंधक बना के रख लिया गया है, प्लीज हमारी सहायता करिए, और ऐसे ऐसे वीडियो सुषमा स्वराज के पास आते थे, वो तुरंत विदेश मंत्रालय को वहां पर सूचित करती थी और वहां पर उस व्यक्ति को फिर वहां से छुड़ाया जाता था कानूनी क्रिया करके। ठीक है, जैसे आपके विजय माल्या हो गए, वो भाग गए, या कोई और नीरव मोदी भाग गए यहां पर, तो फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो विदेश मंत्रालय की हो जाती है और सारा ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ जो है वो वही मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहां पर आपने देखा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी है। जैसे मानो यहां का अगर कोई भी स्टेट का सीएम हो गया या किसी हमारे जो पीएम हो गए वो अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो है मानो कि अगर मैं एक तरीके से बोलूं यहां पर
कि पाकिस्तान के जैसे मान लो कि यहां पर इमरान खान हो गए, ठीक है, और उनके साथ मीटिंग करानी है, किनकी, मोदी जी की मीटिंग करानी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीटिंग करानी है, तो जो कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे हो गया, कोई ऐसी कंट्री है जहां पर वो हिंदी नहीं बोलते और हम हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कराने के लिए जो है वहां पर उस तरीके से इस्तेमाल जो है वहां पर जो सहयोग है वो सहयोग हमारे विदेश मंत्रालय की पूरी टीम करती है। जो ट्रांसलेटर हो गए, जो वहां पर ऑफिशियल पेपर वर्क हो गया, एवरीथिंग जो भी होता है वहीं विदेश मंत्रालय के बिल्डिंग से, वहीं विदेश मंत्रालय के डिपार्टमेंट से होता है, ठीक है। और जो लास्ट हो गया वो हो गया एनआरआई का, जिसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है भाई। चलो, मेडिकल इशू नहीं है। और एक और फायदा मैं आपको बता दूं, जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो भी विदेश मंत्रालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। हर कोई अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा, तभी मैं और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आऊंगा और आप लोगों के एक एक सेकंड की वैल्यू आपको दूंगा मैं। तो वीडियो को शेयर करिए दोस्त, हर जगह पर शेयर करिए, ठीक है, हर जगह पर शेयर करिए, ताकि हर किसी का बेनिफिट हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कर सकूं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहां पर ट्रेनिंग के लिए। तो देखो, आप लोगों की ट्रेनिंग कहां पर होती है। ट्रेनिंग जो होती है वो आपको जेएनयू में होती है। जैसा कि आपने सुना होगा, कन्हैया कुमार के नाम से भी जेएनयू काफी फेमस हो गया था, और बाकी यहां पर जेएनयू में जो है आए दिन प्रोटेस्ट भी चलते रहता है, ये भी आप जानते हैं, और यहां से बहुत बड़े बड़े पास आउट हुए हैं। तो यहीं पर एक ब्लॉक है एफएसआई, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। इसमें किसकी किसकी ट्रेनिंग चलती है ये बात जान लीजिए। लवासना तो आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का जब ट्रेनिंग होता है वो लवासना में होता है, लेकिन वहां से जब लोग अलग अलग कैडर के बाद आते हैं तो जो आईएफएस ऑफिसर्स हो गए उनकी भी ट्रेनिंग इसी जेएनयू में होती है। एसएससी सीजीएल के माध्यम से जो एमईए जाते हैं, एएसओ इन एमईए, उनकी भी जो आपको ट्रेनिंग हो गई वो इसी बिल्डिंग में होती है। इसके अलावा सीएचएसएल से जो एलडीसी हैं, एलडीसी में जो डिपार्टमेंट में जो अलग अलग जाते हैं टाइपिस्ट, उनका भी ट्रेनिंग इसी बिल्डिंग में होता है। और ट्रेनिंग का जो पीरियड रहता है वो 30 डेज का रहता है। इसी 30 दिन के अंदर आपको हर एक बात का जो है जानकारी दिया जाता है, ठीक है। बच्चा पूछ रहा है कि सर आपका नाम क्या है। हमारा नाम आदित्य रंजन है, ठीक है। और ट्रेनिंग में मुख्यतः किन बातों के ऊपर फोकस किया जाता है। ट्रेनिंग में मुख्यतः आपको इस बात पे फोकस किया जाता है कि आपको पासपोर्ट कैसे बनाना है। पासपोर्ट पे आपको, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अभी चले जाओ मानो पासपोर्ट बनवाने, तो पासपोर्ट बनवाने कहां जाओगे, जो आपका विदेश मंत्रालय का विभाग है वहीं पर जाओगे आप, ठीक है। तो ट्रेनिंग में ये सभी बातों के ऊपर फोकस किया जाता है। वीजा से संबंधित जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट से संबंधित कि कौन सा नकली है कौन सा असली है, ठीक है, किसी का पासपोर्ट बनाना है, वीजा बनाना है किसी और कंट्री का, तो सभी जो है वहीं पर विभाग में होते हैं। इसके अलावा कुछ आपको एमईए के एडमिनिस्ट्रेशन बताए जाते हैं, ये सभी बातें मैंने यहां पर लिख रखा है। ट्रेड से संबंधित कुछ जानकारी हो गई, तो सभी के ऊपर आपको जो है दो दो दिन तीन तीन दिन करके आपका जो ट्रेनिंग होता है 30 दिन पूरा किया जाता है, और इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको सीबीआई में बताया था, सीबीआई में ट्रेनिंग कैसे होता है। सीबीआई वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके मेरी 60 दिन 60 मैराथन के प्लेलिस्ट में देख लेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर की जिन्होंने देखी है वो भी जाके 60 दिन 60 मैराथन में देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सीबीआई में क्या होता है कि आपको बंदूक चलाना सिखाते हैं, ठीक है, आपको जो है नारकोटिक्स के बारे में पूरा का पूरा बताते हैं, ड्रग्स के बारे में पूरा बताते हैं, पूरा लॉ एंड ऑर्डर आपको पढ़ाते हैं। तो यहां पर आपको ना बंदूक चलाना सिखाएंगे, ना लॉ एंड पढ़ाएंगे, ना आपको नारकोटिक्स के बारे में बताएंगे। जो इनका ऑफिशियल वर्क होगा उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। 35 वीक नहीं कह रहा मैं यहां पर, 30 डेज कह रहा हूं, क्योंकि 30 दिन के अंदर इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। 30 दिन के अंदर ट्रेनिंग खत्म। और एक और बात बता दें, अगर एसएससी सीजीएल में सबसे पहले किसी पोस्ट की ज्वाइनिंग आती है तो वो इसकी आती है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 2017 सीजीएल का जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के एक महीने के बाद यहां पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, ट्रेनिंग का लेटर आ गया था कि भैया पहुंच जाइए जेएनयू अपना बोरिया बिस्तर लेकर, वहां पर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं हम एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर है अभी इनका जो ज्वाइनिंग आया है वो पिछले 2021 के दिसंबर में आया है। तो सबसे फास्ट अगर किसी की ज्वाइनिंग आती है तो विदेश मंत्रालय की आती है, एसओ इन एमईए की, और सबसे लेट अगर किसी का आता है तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे, मतलब जब तक एक एक्साइज इंस्पेक्टर का पर्सन ज्वाइन करेगा तब तक एक साल की जो सैलरी है या एक साल का जो प्रमोशन ग्रोथ है वो आपको विदेश मंत्रालय से मिल जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है पोस्टिंग के बारे में। पोस्टिंग के बारे में बहुत बच्चे जो होते हैं सोच रहे होते हैं, अरे ऐसे कैसे, हमको क्या पहले पोस्टिंग में लंदन भेज देगा, दूसरे पोस्टिंग में क्या हमको अफगानिस्तान बगदाद भेज देगा, पाकिस्तान भेज देगा। तो पोस्टिंग के बारे में एक बहुत मिथ चल रहा होता है, ठीक है, कि किसी को क्या ऐसे थोड़ी है कि लंदन भेज दे। तो कैसे पोस्टिंग होता है, प्रोसीजर क्या होता है, जानकारी कैसे होती है, सब बातों को समझो। सबसे पहले तो यहां पर अगर आप भारत में सेवा देना चाहते हो तो आप भारत में एमईए ऑफिस दिल्ली में काम कर सकते हो, ठीक है। जब आप 2 साल 3 साल जब आप काम कर लेते हैं, जब आपकी थोड़ी सी सीनियोरिटी हो जाती है, उसके बाद यूं समझ लीजिए जैसे आप गेम खेलते हैं ना, एक लेवल को क्रॉस किया तो दूसरा लेवल आपके लिए खुल जाता है। सेम तरीके से जब आप 2 साल 3 साल यहां पर काम कर लेते हैं दिल्ली में रहकर, तो उसके बाद आपको विदेश जाने के रास्ते खुल जाते हैं और आप अलग अलग कंट्रीज में जा सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज में जाने का भी क्या प्रोसीजर है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले भारत में समझ लेते हैं कि भारत में कहां कहां काम करना है। कोई अगर दिल्ली में जॉब करना चाहता है तो दिल्ली में कर सकता है, और अगर दिल्ली में जॉब नहीं करना चाहते, आप किसी और स्टेट के हैं, कोई जैसे मानो यहां पर चंडीगढ़ का है, या कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई उत्तराखंड का हो गया, तो आपके अलग अलग स्टेट में भी रीजनल ऑफिस होते हैं, पासपोर्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस में जो है आप वहां पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंडिया का बात। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन पोस्टिंग के बारे में। फॉरेन में कितने तरह के पोस्टिंग होते हैं यहां पर देखो, छोटे से स्लाइड के माध्यम से बताया है,
ठीक है भाई। चलो फॉरेन पोस्टिंग में क्या होगा, देखो कितने तरह की कंट्रीज होती है। एक होता है ए स्टार कंट्री, दूसरा होता है ए, फिर होता है बी कंट्री, फिर होता है सी कंट्री, फिर होता है सी स्टार, और इसके बाद भी एक और कंट्री होती है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे उस भाई से मिली जो ऑलरेडी बगदाद में है और जो ऑलरेडी एएसओ इन एमई है, उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं होता है कि तुम जो है सीधा का सीधा लंदन चले जाओगे काम करने, एक प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे मानो सबसे पहले मैं एएसओ इन एमई लगा, एएसओ इन एमई लगने के बाद क्या हुआ कि मैंने 2-3 साल भारत सरकार में सेवाएं दी, दिल्ली में जो है मेरा पूरा का पूरा काम चला। उसके बाद हमारे लिए ऑप्शंस बाहर जाने के खुल जाते हैं। बाहर जाने के कितने ऑप्शंस हैं, तो एक तरीके से यूं समझ लो 60 कंट्रीज हैं, लेकिन शुरू में जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो 30 कंट्री का आता है। उस 30 कंट्री में हमें अपना फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर पूरा का पूरा पेपर वर्क होता है, और पेपर वर्क होने के बाद तब वो पहुंच जाता है आपके ऑफिस में, और फाइनली कुछ महीने के अंदर आपके पास आ जाता है कि हाँ आपको ये कंट्री मिला है। अगर मानिए कि आपको पाकिस्तान मिल गया और आपको पाकिस्तान नहीं जाना है, तो आप जाने के लिए बाध्य नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन मना करने के बाद क्या होता है कि कुछ महीने के ऊपर आपके बैन लग जाता है, कुछ महीनों तक आपके ऊपर बैन लगा रहता है कि अब आप अप्लाई भी करेंगे दोबारा से तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यार देखो जब आप पोस्टिंग के लिए फॉरेन में अप्लाई कर रहे होते हो तो बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। अब भारत सरकार ने इतना पेपर वर्क किया और आपने झटके भर में जो है उनका दिल तोड़ दिया, कहा कि नहीं भैया हम तो जाएंगे ही नहीं, तो इसीलिए आपको कुछ महीने के लिए बैन किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ऑप्शंस फिर से खुल जाते हैं। अब बात करते हैं ये जो कंट्रीज हैं, कोडिंग है, इस कोड में किस किस तरह के कंट्री आते हैं। जैसे ए स्टार हो गया, ए स्टार में न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, जितने बड़े बड़े शहर हो गए, बड़ी बड़ी कंट्रीज हो गई, वो सभी के सभी ए स्टार्स में आती हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, मैं बार बार कह रहा हूं, सभी के सभी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो, 1000+ लाइक चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस कंटेंट के दम पे एक मोटिवेशन मुझे मिले, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर जगह वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे ए हो गया हमारा, यहाँ पर आता है लंदन जैसा आपका कंट्री हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर बी, बी नंबर में जैसे बीजिंग, बीजिंग कहाँ है, चाइना में है, जिसकी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी यहाँ पर, और जिसका मैंने कहा भी था कि देखो ये बीजिंग है, ये आपका बी कोड कंट्री हो गया। बीजिंग कहाँ गया, चाइना में, ये आपका भारत का एम्बेसी है वहां पर। ठीक है, जैसे बैंकॉक का भी आपने नाम सुना है, तो बैंकॉक भी किस में आता है, तो बी कंट्री में आता है, बी कोड में आता है। सी हो गया आपका मॉस्को, मॉस्को कहाँ है बताओ, रशिया में। ठीक है, तो मॉस्को जो है अगर आपको है तो आपको सी कंट्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया आपका सी स्टार, और उसको स्टार क्यों दिया गया है, इसको कभी कभी हार्ड कंट्रीज कहा जाता है, जैसे आपका इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का मतलब यूं समझ लो पाकिस्तान। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि यहां पर पोस्टिंग के प्रोसीजर्स क्या-क्या हो गए। जैसे मानो मैंने फॉरेन पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया, तो शुरू-शुरू में जो हमें स्टार्टिंग मिलती है वो हमें सी प्लस स्टार कंट्री से मिलता है, सी स्टार कंट्री से मिलता है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बगदाद हो गया, इन कंट्रीज में पोस्टिंग होती है। जैसे जैसे सीनियरिटी डेवलप होते जाती है, या जैसे जैसे आपका जो है थोड़ा थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, फिर आपको सी स्टार के बाद सी दिया जाता है, सी के बाद बी होता है, बी के बाद ए होता है, ए के बाद ए स्टार होता है, और इस तरीके से इस ऑर्डर में आपकी पोस्टिंग होती जाती है। यानी अगर यूं सोच ले कि पहले पोस्टिंग में ही हमको लंदन ट्रांसफर मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक आधा एक्सेप्शनल केस होते हैं, जिसमें अगर आपका किसी के साथ कोई पहुंच है, नेता के साथ या किसी के साथ, तो आप अपनी पोस्टिंग इनमें किसी कंट्री में करवा सकते हैं, अन्यथा आपको जो जनरल प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, आपको उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, और उसी तरीके से आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो सैलरी है वो इंडिया में आपको 70+ के करीब में मिलता है, लेकिन जैसे आप इंडिया से बाहर जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, जैसे मानो कि कोई बगदाद में है, या यूं समझ लो कोई लंदन में है, ठीक है, या कोई आपका जर्मनी में है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, क्या उसको 70,000 रुपया ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि सैलरी जो डिसाइड होती है ना, वो करेंसी के पावर के ऊपर डिसाइड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यूं समझ लो कि अगर भारत में ये सैलरी 70,000 है, तो विदेश में यही सैलरी जाकर उनके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, वहां के खर्च के अकॉर्डिंग, वहां के महंगाई के अकॉर्डिंग सभी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है कि यहां पर अगर हम जो हाउस अलाउंस है 8,000 रुपया किराया दे रहे हैं, तो क्या वहां पर अगर कोई फ्लैट लेगा तो क्या 8,000 में निपट जाएगा। इन सभी चीजों को कैलकुलेट करते हुए जो आपका अप्रोक्सीमेट इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद जो सैलरी आती है वो 2-3 लाख रुपए आती है। किसी किसी कंट्री में 2 लाख है, किसी में 2.5 लाख है, किसी में 3 लाख है। तो फॉरेन पोस्टिंग में इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको 2-3 लाख रुपए मिल जाता है महीने के, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें आराम से जो है आप 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करके बाकी पूरा का पूरा आप सेव कर सकते हैं, अपने घर बेच सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। इसलिए सबसे लुक्रेटिव और प्रॉफिटेबल जो पोस्ट है वो एमयू कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी होता है। इसके अलावा दोस्तों ये बात समझो, ये जो पर्क्स है ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। अगर मैं बोलूं ना कि मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जाहिर सी बात है इंसानी फितरत है, किसी को भी मोटिवेशन मिलता है तो पैसे से मिलता है, किसी को भी मोटिवेशन मिलता है तो एक तरीके से उसके बेनिफिट से, जो उससे फायदे हैं। जैसे मानो मैंने आपको कहा दो मोबाइल है, एक रेडमी हो गया और एक नोकिया हो गया, और मैंने कहा कि आप इसमें कौन सा लोगे, तो आप क्या देखते हो, फीचर्स देखते हो, यार इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये वाला मोबाइल लेंगे। उसी तरीके से जब आप एसएससी का पेपर दे देंगे, तो पेपर देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस जब भरेंगे, तो बहुत सारे पोस्ट हैं, तो
उसमें आप किसको सबसे पहले नंबर पर स्थान देंगे, वो कब देते हैं, जब आप अपना देखते हैं कि हाँ भाई इससे संबंधित क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, कोई अगर मानो घूमना चाहता है ठीक अलग अलग कंट्रीज में, तो वो एमईए के लिए अप्लाई करता है। कोई पुलिस की सर्विस में जाना चाहता है तो सीबीआई या एक्साइज इंस्पेक्टर में जाता है। किसी को नॉर्मल ऑफिस लाइफ चाहिए तो वो सीएसएस में जाता है। तो उस तरीके से इसमें क्या क्या फर्क होता है, पर्क जो है, बेनिफिट जो है, वो क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा सैलरी होती है, जैसा कि मैंने बताया 2 लाख से 3 लाख रुपए के करीब में। ठीक है, इसके बाद बेस्ट अमेनिटीज। अब बेस्ट अमेनिटीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं, जिसमें मैंने हेल्थ और एजुकेशन लिखा है। जैसे मानो आप भारत में 70,000 रुपए महीना कमा रहे हो, ठीक है, आप बीमार पड़ गए, आपको क्या होगा कि खर्चा कराने कराने में ही, इलाज कराने कराने में ही आपके पूरी की पूरी सैलरी चली जाएगी। या आपके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, आप उनको सबसे टॉप स्कूल में रख रहे हो, महंगाई का जमाना इतना है, महीने के 10,000 रुपए आपका महीने का फीस लग रहा है। लेकिन अगर आप एएसओ इन एमईए लगते हैं तो ये दो चीजें जो है आपकी भारत सरकार देती है। ठीक है, यानी आप बीमार हुए, आपके परिवार में कोई भी बीमार हुआ, तो उस कंट्री के सबसे उच्च अस्पताल में आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं, कोई रुपया नहीं लगेगा। और उस कंट्री के सबसे टॉप स्कूल में 12वीं तक 12th तक आप अपने बच्चे की फ्री में पढ़ाई करवा सकते हैं। उसका पूरा का पूरा जिम्मा कौन उठाता है, भारत सरकार उठाती है। ठीक है, कौन उठाता है, भारत सरकार उठाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 5-स्टार अकोमोडेशन। 5-स्टार अकोमोडेशन क्या है, जैसे मानो मुझे पोस्टिंग मिली कहां पर, जर्मनी में, और जर्मनी में गया तो मुझे वहां पर कोई एक जो है हाउस मिला ही नहीं, सरकार की तरफ से रहने के लिए कहीं पर कोई अभी क्वार्टर अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या होगा, मैं वहां के किसी भी 5-स्टार होटल में रह सकता हूं, और जितना भी खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा खर्चा कौन देगा, तो भारत सरकार देगी। यानी जब तक हमें यहां पर क्वार्टर नहीं मिलता है तब तक 5-स्टार अकोमोडेशन मिलता है, और ये किसके तरफ से होता है, तो भारत सरकार की तरफ से मिलता है यहां पे। नेक्स्ट बात करें तो फिक्स टाइम जॉब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, 10 से 5:30 भी कर सकते हो, ये फिक्स टाइम जॉब है। आप बोलोगे सर क्यों फिक्स टाइम जॉब के बारे में इसमें ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने में इच्छुक होते हैं। उनके लिए क्या होता है कि यार एक ऐसा जॉब हो कि शाम के बाद आऊं घर पे तो फोन ना आए ऑफिस का कि भाई तुमने ये फाइल क्यों अधूरा छोड़ दिया, तुमने वो क्यों छोड़ दिया। तो इसमें यह फायदा है कि फिक्स टाइम की जॉब है, घर पे आने के बाद आपको टेंशन नहीं है क्या हुआ ऑफिस में क्या नहीं हुआ, आप आराम से रिलैक्स होकर आगे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या किसी भी एग्जाम की या कोई और अपना काम कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद होता है। नेक्स्ट बात करें यहां पर तो व्हाइट पासपोर्ट, ये व्हाइट पासपोर्ट का है ना भाई बहुत महत्व है यहां पे। जैसे कि मैंने शुरू में ही वीडियो को बताया था कि 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, ब्लू कलर का, नेवी ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया और मरून हो गया। ठीक है, और ये जो पासपोर्ट है ना, यही एक तरीके से बोले हिंदी में तो आपकी जो औकात है वो बताती है कि आप सच में कितना वैल्यू रखते हैं किसी कंट्री के लिए, इंडिविजुअल कितनी पर्सनालिटी आपकी वैल्यू होती है यहां पे। ठीक है, जैसे मानो यहां पर ब्लू पासपोर्ट हो गया, ये पूरे भारत में हर व्यक्ति के पास है, किसी के पास, कोई भी बनवा सकता है। व्हाइट पासपोर्ट हर किसी के बस की बात नहीं होती, उन्हीं को मिलता है जो भारत सरकार के ऑफिशियल्स होते हैं। इसलिए कहा गया ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट इश्यू टू इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑन ऑफिशियल बिजनेसेस। और जो तीसरा हो गया मरून हो गया, जब कोई नेता या कोई बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो डिप्लोमैट्स होते हैं, ठीक है, जब वो किसी मीटिंग के लिए जाते हैं किसी कंट्री में, तो वो उनको मिलता है। ठीक, तो ये जो पासपोर्ट है यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर शाहरुख खान जा रहे हैं और मैं एक एएसओ इन एमईए हूं, ठीक है, तो जैसे शाहरुख खान अगर गए तो उनको भाई साहब पूरी चेकिंग चलती है, आपने पता भी है, बहुत ऐसे कंट्रीज होते हैं ना पूरा बढ़िया तरीके से चेकिंग करेंगे कपड़े हटा हटा के। लेकिन अगर मेरे पास ये पासपोर्ट है तो किसी की कैपेसिटी नहीं है कि कोई हमें हाथ तक भी लगा के दिखा सके, क्योंकि ये पासपोर्ट का मतलब मैं इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये पूरा का पूरा देश मेरे से संबोधित हो रहा है और आप मुझे हाथ लगा रहे हो, उसका मतलब आप मेरे नेशन के ऊपर, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे हो। तो सबसे पहले जानिए, तो सबसे पहले अगर आप सीजल क्वालिफाई करते हैं तो सीजल से आप लगते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ इन एमईए। ठीक है, और एएसओ इन एमईए के बाद क्या होता है कि क्या वहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है क्या, उसके आगे हमें कोई पेपर नहीं देना होता, ऐसा नहीं है, उसके आगे भी पेपर देना होता है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अगर आप कोई पेपर नहीं देना चाहते तो 12 से 13 साल के अंदर, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 12 से 13 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है सेक्शन ऑफिसर पे। ठीक है, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या होता है कि डिपार्टमेंट में भी जाने के बाद एग्जाम होता है। आप किसी कोई ऐसा पर्सन होगा जो सिलेक्टेड होगा, आप उनसे पूछना, ठीक है, वो खुद आपको बताएंगे कि चाहे वो स्टेनो है या फिर टैक्स असिस्टेंट है, तो ये सभी लोग जो होते हैं ना, अगर मानो कोई बंदा टैक्स असिस्टेंट है तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे देकर इनकम टैक्स में जा सकता है। उसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर 4 से 5 साल के अंदर प्रमोशन लेकर सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, और फिर उसके बाद सेक्शन ऑफिसर से 9 से 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा, तो आप अंडर सेक्रेटरी बनोगे, और अंडर सेक्रेटरी आप एसएससी के माध्यम से आओगे, और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी जो डायरेक्ट पोस्टिंग होती है वो अंडर सेक्रेटरी के ही होती है, इसलिए मैंने लिखा है आईएफएस कैडर। यूपीएससी निकालोगे तो यहां से आपकी प्रमोशन स्टार्ट होंगे, और एसएससी निकालोगे तो सबसे पहले एएसओ बनोगे, फिर प्रमोशन होकर सेक्शन ऑफिसर, फिर प्रमोशन होकर अंडर सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी के बाद डेप्यूटी डायरेक्टर, और फिर डेप्यूटी डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर, इसके बाद भी पोस्ट होते हैं लेकिन वहां तक एसएससी कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, मैं बार बार कह रहा हूं, सभी के सभी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दो।